मेरा नाम विमल पंजवानी है एंड मैं बीटेक हूँ और एमबीए एग्री बिजनेस हूँ सिम्बायसिस से। एग्री विजय की स्थापना मैंने अपनी माताजी के साथ की है। 8 साल किसानों के साथ काम करने के बाद मैं हमेशा से कुछ उनके लिए अच्छा करना चाहता था और प्रकृति के लिए भी मैं कुछ करना चाहता था, तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और हमारा फिर डिस्कशन हुआ कि हम क्या करें जहाँ पे उनका भी सपना पूरा हो। मैंने विमल को हमेशा फार्मर्स के प्रति पैशनस देखा था। रिटायरमेंट के बाद मेरे को भी कुछ मिनिमल करना था, तो विमल और मैंने एग्री विजय की नींव रखी ताकि फार्मर्स को रिन्यूएबल एनर्जी देके उनको सक्षम बनाया जाए। इस दौरान हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रीकल्चर से जोड़ते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी को फार्मर्स के साथ जोड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो उनकी बचत भी करता है, दूसरा हम प्रकृति को भी बचाते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने का जो ये डिस्कशन हुआ वो हम लोगों ने ये तय किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे, एक स्टार्टअप बनाएंगे जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेगा और वो भी सिर्फ किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करेगा। और मेरी माता जी का ये सुझाव था कि जो गांव की औरतें आज भी लकड़ियों पे खाना बना रही हैं या जो किसान आज भी डीजल यूज़ करके अपने इलेक्ट्रिक वाटर पंप यूज़ कर रहे हैं, हम इनको कैसे समझाकर इनको अक्षय ऊर्जा की तरफ प्रेरित करें ताकि अक्षय ऊर्जा से आत्मनिर्भर बन जाएं और इनडायरेक्टली हम एनवायरनमेंट को भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दें ताकि क्लाइमेट चेंज जो हम बात कर रहे हैं उसकी हम कोई एक जना तो कर नहीं सकता उस क्लाइमेट चेंज को चेंज, लेकिन अगर एक पूरी ग्रामीण आबादी, एक 70% आबादी एक देश की अगर अक्षय ऊर्जा से जुड़ जाती है तो हम प्रकृति में क्या बदलाव ला सकते हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस विजन के साथ हमने एग्री विजय की स्थापना की। जून 2020 में हमने इसकी स्थापना की और मेरी माता जी की मदद से 3 महीने में ही हमने अच्छी ग्रोथ देखी। ये हमारी जर्नी जो है सफल तभी हो पाई है जब ASC ADT बारामती फाउंडेशन जैसे संस्थान हमारे को सपोर्ट करने के लिए आगे आए और नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा हमें इस चीज़ को करने के लिए बहुत आगे प्रेरणा मिली और सपोर्ट मिला। और मेरा मानना है अक्षय ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने के लिए आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और काफ़ी हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। तो अगर मैं कहूँगा कि ये सपोर्ट के बिना पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में और बारामती में अगर ASC ADT बारामती फाउंडेशन नहीं होता तो शायद ही हम यहाँ के किसानों को अक्षय ऊर्जा के उत्पाद उपलब्ध करा पाते। एंड मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम का क्योंकि इन्होंने आगे बढ़कर हमें चुना और इंक्यूबेट किया और हमें मदद किया। ASC ADT बारामती फाउंडेशन और नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इंक्यूबेशन सपोर्ट से हम आज KVK में ऑफिस है हमारा और वो ब्रांच ऑफिस की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी किसान हमसे आकर मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपनी एनर्जी की नीड्स को हम उनकी समझते हुए उनको सही अक्षय ऊर्जा उत्पाद रिकमेंड करते हैं। हम अक्षय ऊर्जा की बात करें तो इस रीजन में अगर हम बात करें बारामती क्षेत्र में डेयरी फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं कहूँ कि बायोगैस और सोलर वाटर पंप ये ऐसे दो प्रोडक्ट हैं या उत्पाद हैं जो इस क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, उनकी बचत भी कराएंगे और उनकी जो खेती है उसको हम जैविक में कन्वर्ट कर पाएंगे, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि बायोगैस के साथ एक बायो प्रोडक्ट आता है जिसको हम बायोस्लरी कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं, यानी आज की डेट में वो किसान अपने खेत पे ही खुद का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकता है और अपने केमिकल फर्टिलाइजर की खपत को कम कर सकता है, बचत कर सकता है, तो प्रकृति को भी बचा सकता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है। ये उत्पाद और इस विजन के साथ हमने बारामती रीजन में ASC ADT बारामती फाउंडेशन की मदद से ऑफिस भी खोला और हम आज ग्रो भी कर रहे हैं। काफ़ी फार्मर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हर महीने हम 10 से 15 फार्मर्स से बात करते हैं और 10 से 15 फार्मर्स इन अक्षय ऊर्जा के उत्पाद को खरीद कर लाभान्वित भी होते हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। इसी वजह से हमें फिकी ने बेस्ट एग्री इनोवेटर से नवाजा और हमें टॉप स्टार्टअप्स में सम्मिलित किया और हमें इस अवार्ड से देकर उन्होंने ये प्रेरित किया कि हम टॉप एग्री इनोवेटर हैं कोविड समय में और हम इस तरह से काम करते रहें और किसानों को आत्मनिर्भर बनाते रहें। काफ़ी अवार्ड्स मिले हमें इस कम समय में, 7 महीने के कार्यकाल में। मेरी माता जी को भी एज अ को फाउंडर और डायरेक्टर के रूप में इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फ्यूचर में हमारा प्लान अभी यही है कि हम महाराष्ट्र में
जितने भी जिले तक हम पहुंच सकें, अक्षय ऊर्जा के फायदे पहुंचा सकें, किसानों को आत्मनिर्भर बना सकें और कोविड जैसी सिचुएशन आगे भविष्य में अगर आए तो उनको उसके लिए तैयार कर सकें, ये हमारा विजन है। और साथ ही साथ प्रकृति को भी हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें एज एन एग्रीरियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारी तो पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हमें लगता है कि अगर सारे फार्मर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर बन जाएंगे तो प्रकृति की भी बचत हो जाएगी और वो आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे और पैसा भी उनका बचेगा, ये हमारा विजन है। मेरा नाम गंगाराम कुमावत है, मैं किसान हूँ। लेकिन पहले मैं खेती डीजल इंजन से करता था, लाइट नहीं थी, जो आय होती थी वो डीजल में चली जाती थी। लेकिन एग्रीविजय के प्लांट आने के बाद में मैंने ये प्लांट लगवाया और ये एग्रीविजय के प्लांट से मेरे को अच्छी राहत मिली, अच्छी इनकम हो रही है और मेरे को पानी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये हम हर जगह पहुँचाना चाहते हैं और इसी विजन के साथ हम ग्रो भी कर रहे हैं और हमारी टीम काम भी कर रही है।